नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं सादात केसरी। मैं हूं सोनी चौधरी और इस वक्त की बड़ी धमाकेदार खबर मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं और जो कि निर्यात से संबंधित है। आपको मैं बता दूं, अलीगढ़ के एडिसन हिंदुस्तान में छपा हुआ है, अलीगढ़ के आलू को एक्सपोर्ट की महाराष्ट्र की फर्म से MOU साइन हुआ है। ये जो आप ये देख लीजिए, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आपको अगर नहीं हो रहा हो तो देखिए, ये आपके सामने आ रहा होगा। और अगर बात करें ये जो आलू है वो कहाँ कहाँ जाएगा अलीगढ़ से, अलीगढ़ से जो पहली बार आलू जा रहा है वो इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, कतर में पहली बार भेजा जाएगा आलू। अब फिर दोबारा आप इसे देख लीजिए, आपको साफ दिख रहा होगा। तो अब आप ये खुद मान सकते हैं कि आपका आलू जो है 15 नवंबर के आसपास से इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत में पहली बार जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सा आलू जाएगा। तो चिप्सोना आलू जाएगा, 302 जाएगा, T7 जाएगा और 3797 जाएगा। इसके लिए बड़ी कंपनी ने कोमालिका जो FPO ने करार किया है। पहले यहाँ पे जो होता था वो चावल का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था जो कि अलीगढ़ से होता था, लेकिन अलीगढ़ का आलू पहली बार इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, कतर देश में एक्सपोर्ट किया जाएगा। कोमालिका FPO का महाराष्ट्र की फर्म से MOU साइन हो गया है। ज़िले में तैयार होने वाले चिप्सोना आलू को FPO द्वारा तैयार किया गया है। कृषि उत्पादों में आलू से पूर्व बासमती चावल का एक्सपोर्ट हुआ है, लेकिन रसायनों के इस्तेमाल होने के चलते चावल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन अब अलीगढ़ में इतिहास में पहली बार कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि APDA, जिसे जो बाहर भेजता है, APDA के माध्यम से आलू जो है देश से बाहर जाता है, कोमालिका FPO को आलू एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस जारी किया गया है। यानी कि जो आगरा के महाराष्ट्र की जो फर्म है कोमालिका, और उसे आलू एक्सपोर्ट करने के लिए, निर्यात करने के लिए वो किया गया है। इसमें कोमालिका के माध्यम से अलीगढ़ जनपद के करीबन 1500 से किसान जोड़े गए हैं, यानी 1500 किसानों से आलू खरीदा जा रहा है। FPO की बात करें तो जो बीते दिनों लाइसेंस जारी किया गया था उसमें जो करार हुआ है उसी के मुताबिक VFA यानी कि अरब देशों में आलू का निर्यात होगा। अब बात कर लेते हैं APDA के प्रतिनिधियों के अनुसार, पूर्व में भी यहाँ के आलू को एक्सपोर्ट किए जाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन आलू के लिए वॉशिंग लाइन नहीं होने की वजह से ऑर्डर कैंसिल हो गया था। दरअसल यहाँ के आलू की नमी सुखाने के लिए मिट्टी डाल दिया था और आलू में मिट्टी व बैक्टीरिया होने के चलते इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन इस लिहाज से अब जो आलू जो है आपका अलीगढ़ वाला चिप्सोना, T7 और सूर्या, ये जो है अरब देशों के लिए जाएगा। इसके लिए जो मानक हैं वो मानक पूरे तय कर लिए गए, जो सऊदी अरब, कुवैत, और अगर बात करें जो भी जा रहा है महाराष्ट्र के FPO कंपनी द्वारा, वहाँ से वो तय मानक पूरे हो चुके हैं। और मानक तय होने के बाद में अब जो है आपका आलू जो है इन देशों के लिए जाएगा, जिसे आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि इराक, अलीगढ़ जनपद से अलीगढ़ मंडल का जो आलू जाना है, अलीगढ़ मंडल में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अलीगढ़ का आता है, हाथरस आता है, कासगंज आता है, एटा आता है। तो ये उन अलीगढ़ के तमाम मंडल के तमाम किसानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इनका आलू इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, कतर में पहली बार भेजा जाएगा। और ये आलू जो है 15 नवंबर के बाद यहाँ से अलीगढ़ से जाएगा, हाथरस से जाएगा, एटा से जाएगा, कासगंज से जाएगा, क्योंकि 1500 किसान से सीधा आलू की खरीद फरोख्त FPO कंपनी द्वारा की जा रही है, और इसका जो सीधा फायदा जो है आलू किसानों को मिलेगा। आप ये सोचते हैं कि सोनू चौधरी बकवास करता है, सोनू चौधरी पे कुछ नहीं है, सोनू चौधरी का ये है वो है। तो आपको मैं ये मेरे साइड में दिख रहा होगा, आपको ये सारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रस्ट हो। और जैसा कि APDA के जो अधिकारी हैं, कोमालिका FPO का महाराष्ट्र की VFA से करार हुआ है, अब आलू अलीगढ़ का आलू अरब देशों के लिए एक्सपोर्ट होगा। डॉक्टर CV सिंह, परियोजना अधिकारी, APDA। अब आप, मैं आपको ये सीधा मोबाइल के माध्यम से भी दिखा रहा हूँ और स्क्रीनशॉट ये आपको मेरे साइड में देख रहे हैं, अब आप इसे सीधा देख लीजिए, आपके सामने है। ये APDA के अधिकारी हैं, उनका वर्जन है ये। अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है कि नया आलू, अब बात कर लेते हैं नए आलू की, तो नया आलू अभी जो करंट पोजीशन है उसके अनुसार 3-4% था और 80% की खुदाई जो है हो चुकी है। यहाँ पे जो कुछ व्यापारी हैं जो आप लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, आगरा के मंडियों में ला रहे हैं, जयपुर की मंडी, जोधपुर की मंडियों में नया आलू ला रहे हैं, तो ऐसे में वो लगभग एक प्रति पैकेट 600 से 800 रुपये का घाटा उठा रहे हैं। और घाटा उठाने की वजह क्या है कि किसानों की कमर तोड़ना, लेकिन हमारा मकसद आप लोगों की किसानों की कमर तोड़ना नहीं है। अब हर एक पेपर में ये हिंदुस्तान में छपा है और ये आर्टिकल काफ़ी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे आपके आलू के दामों में 4 चांद लगने वाले हैं। तो ऐसे ही तमाम ताज़ा तरीन देश दुनिया की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में ही बेल आइकन है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। किसान भाई, इससे क्या होगा कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी जानकारी सीधे आप तक यूट्यूब के माध्यम से नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उसका लुत्फ भी उठा पाएंगे और आप जान पाएंगे पूरे देश में आलू की क्या स्थिति चल रही है और किन किन देशों में नवंबर माह में निर्यात हो रहा है। क्योंकि पिछले
पिछली वीडियो में भी हमने आपको रूस और जर्मनी के बारे में बताया था, वो बिल्कुल एक्यूरेट था, बिल्कुल जानकारी सटीक थी, लेकिन कोल्ड स्टोरेज वालों और व्यापारियों ने इसका खंडन किया था अपना वोट निकाल के। लेकिन अगर ये बात गलत होती तो विभिन्न समाचार पत्रों में आते, अमर उजाला में पढ़ते, दैनिक जागरण पढ़ते, हिंदुस्तान में पढ़ते, ये ट्रस्टेड है, नव भारत टाइम्स, द हिंदू, कहीं पर तो नहीं है कि खंडन किया हुआ है, खंडन होगा कहाँ से, ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक जानकारी थी। अब भी है, अभी यह हिंदुस्तान की है, अभी यह सिर्फ एक किस्म के व्यापारी और जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं कोल्ड स्टोर के मालिक, ये कब तक आपको भ्रमित करेंगे। अब तो किसान भाइयों आप लोगों को सचेत हो जाना चाहिए और अब ज़्यादा से ज़्यादा सादावत केसरी के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। तो किसान भाइयों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। ऐसे ही अपने मुजफ्फरनगर, ऑल यूपी और अन्य से जानकारी चाहने के लिए आप हमारे चैनल पर कमेंट करके बताइए, हम आकर पूरा डेटा एनालिसिस करके आपको बताएंगे। बहरहाल मेरे साथ में वीडियो में इतना ही, किसान भाइयों आपका दिन शुभ हो, और अलीगढ़ मंडल के किसानों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब आपके मन मर्जी है, आप बेचना चाहें बेचिए, नहीं बेचना चाहें बिल्कुल मत बेचिए, लेकिन आलू की अच्छी कीमत लीजिए। धन्यवाद किसान साथियों, वीडियो में जरूर बताना, लाइक जरूर कर देना, धन्यवाद।